नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 अप्रैल 2020 से कौन कौन से नए नियम आ रहे हैं, ऐसे 10 नियमों की बात करेंगे जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो रहे हैं। इन नियमों में जीएसटी में बड़ा बदलाव होगा, इनकम टैक्स में होगा, विदेश जाना बहुत महंगा हो जाएगा, मोबाइल डेटा भी महंगा हो जाएगा, सारी चीजें होंगी। यानी कि 1 अप्रैल से बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे बड़ा बदलाव होगा कि 10 बैंक जो है वो विलय होकर के अब भारत में जो राष्ट्रीय बैंक है उनकी संख्या कम हो जाएगी। और सबसे बड़ा होगा कि 1 अप्रैल से देश के 10 सरकारी बैंक जो है इनका विलय होने के लिए जा रहा है। तो ये 4 बैंक बनाए जाएंगे। यह देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विलय होगा और इसमें अगर आपका खाता है तो बदलावों की सूचना आपको मिल जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा चेंजिंग होगा, नया आयकर नियम बनेगा 1 अप्रैल 2020 से। नए सिस्टम में खास बात होगी कि बिना कोई बचत किए भी करदाता छूट प्राप्त कर पाएंगे, एक पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था होगी। तीसरा कि विदेश जाना बहुत महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से सरकार ने विदेश यात्रा के कुल पैकेज पर स्रोत एकत्रित कर टीसीएस प्रणाली वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत विदेश यात्रा पर 5% का टैक्स लग जाएगा। नया जीएसटी रिटर्न फॉर्म ये काफी महंगा हो जाएगा, तो जो नया जीएसटी 31वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया है। 1 अप्रैल से नया जीएसटी रिटर्न फॉर्म भरने पर फैसला हुआ था। नया फॉर्म काफी सरल होगा और रिटर्न भरने में आसानी होगी। पांचवें नंबर पर है कि नए वाहन नियम आ जा रहे हैं। 1 अप्रैल से BS6 मानक वाले वाहन बिकेंगे। कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहन का रजिस्ट्रेशन अप्रैल में सशर्त 10 दिन करने की अनुमति दी है। दवाइयों से जुड़ा हुआ एक नया नियम आ रहा है। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष से ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक की धारा 3 के तहत इंसान और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को औषधि की श्रेणी में रखा जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से ही देशभर में BS6 ग्रेड के पेट्रोल डीजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इंडियन ऑयल ने इसकी शुरुआती कई शहर से कर दिया है, इसका कीमत पर असर होगा। अब EPS सिस्टम लागू हो जाएगा। 26 सितंबर 2008 से पहले रिटायर हुए करीब 6 लाख लोगों को 1 अप्रैल 2020 से ज्यादा पेंशन दिया जाएगा, तो बहुत बड़ी फायदा होने जा रही है। नए बेंचमार्क पर मिलेगा लोन। छोटे और मझले कारोबारी जो होंगे उनको अब लोन मिलेगा। कारोबारी को परिवर्तनशील ब्याज दर पर जो है वो लोन, सभी लोन 1 अप्रैल से रेपो जैसे बाहरी मानकों से जोड़ दिया जाएगा। इससे ब्याज दर में कमी आएगी और दूरसंचार कंपनी ने कहा है कि जो शुल्क है न्यूनतम 35 रुपया जीबी की दर तय करने की मांग की है। यह मौजूदा दर से करीब 7-8 गुना ज्यादा है। अगर सरकार मंजूरी देती है तो इंटरनेट का इस्तेमाल महंगा होगा। हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहेंगे, जो नई नई खबर होगी आपको